गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत हो गई है, बस अभी घर का काम वाम करना है। तो आज कपड़े धोने, बहुत से कपड़े धो रखे हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ पहले मैं वुलन वाले कपड़े धो लेती हूँ एंड कल परसों जाकर फिर जो डॉलर कपड़े होते हैं वो धो लूँगी। और अभी बस चाय रस खाया है, अभी नाश्ता तो नहीं करा, अभी मम्मी खाना बना रही है। तो मैंने कहते मैं घर का काम वाम स्टार्ट कर देती हूँ। और दो तीन दिनों से मैं ब्लॉग में आप लोगों को दिखी भी नहीं हूँ, तो आई होप आपको मतलब आपने मुझे मिस किया होगा। तो अब से आपको मैं रेगुलरली ब्लॉग में दिखूंगी। तो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। आज मैंने ना बेडशीट और आज ये वाली बिछा दी है। जो ब्लैंकेट था ना पहले वाला वो उतार दिया, बिकॉज गर्मी आ रखी है अब। और गर्मी लगती थी रात को ना, जब सोते थे ना तो गर्मी लगती थी। तो इस वाले पे भी मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है और दूसरे वाले बेड पे भी मैंने ना बेडशीट बिछा दी। और यहाँ पे भी देखिए सीलन आ गई है, लेकिन कहाँ कहाँ से सीलन आई जा रही है, मे बी किचन है इसके पीछे इसलिए आ रही है। तो आज थोड़ी ना राहत सी मिल रही, लग रहा है अब गर्मियाँ आ रही है। घर का काम तो अभी चल ही रहा है। तो लंच में आज बने हैं मटर क्या वेजिटेबल पुलाव ही हो गए। मम्मी ने इसमें गाजर भी डाल रखी है और कल रात को मम्मी ने ये हरी चटनी बनाई थी। तो वो है दिखने में तो आज चावल बहुत टेस्टी लग रहे हैं, तो ट्राई करके देखती हूँ। अभी मुझे पार्सल आया है ऊर्जा से। तो इन्होंने एक तो मुझे ये भेजा है, ये है इनका 5-in-1 स्किन मेरेकल ऑयल। इसके अंदर 5 टाइप्स के ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, रोज ऑयल, विटामिन ई, वीट जर्म, सीड ऑयल, ये सब ऑयल है। और ये है 799 रुपीज़ का। तो ये काफ़ी अच्छा है। अभी हमने इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। और इसी के साथ में मुझे ये मिला है, ये है गुआशा। ये बेसिकली मसाजिंग के लिए होता है। मैंने ना अभी इससे ना मम्मी की हल्के की मसाज करी, तो तभी थोड़ा ऑयली हो रखा है। और इतनी अच्छी इससे मसाज होती है ना मम्मी, अच्छा लगा आपको? अच्छा ना, फेस पे अच्छा है ना। तो ये मम्मी के भी फेस पे भी ऑयल लगा पड़ा है, तभी मम्मी इतना ग्लो कर रहे हैं। और इससे मसाज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करते हैं मसाज। और इसका जो प्राइस है, मैं इसका एक बार प्राइस देखकर आपको बता देती हूँ कितने का है। तो बहुत ही मुझे काफ़ी टाइम से ना लेना भी था गुआशा टूल, तो अच्छा है मेरे पास आ ही गया। कोलैबोरेशन में ये होता है कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती है। हाँ, काफ़ी अच्छा है। तो आपको जल्दी वीडियो मिलेगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। क्यों परेशान हो रहे हो मम्मी आप? अरे मैं ना ये सोच रही हूँ मुझे 3 दिन के हिसाब से कपड़े चाहिए। कब? वो बेबी शावर के लिए? हाँ, 3 दिन का कपड़े। हाँ, दीदी बता तो रहे थे कि एक दिन वो मेहंदी करेंगे, एक दिन संगीत करेंगे और एक दिन बेबी शावर होगा। अब वही समझ नहीं आ रहा, मैं कपड़े उस हिसाब से करे नहीं है कि क्या करा जाए उस दिन के लिए। पता नहीं, मैं तो एक दिन तो संगीत पर, तो मैं सोच रही हूँ ये वाला अपना रेड। मम्मी परांदी वगैरह लगाऊं? चीना भी लगा रही है परांदी, मैंने व्लॉग में देखा था। पूरा ही लुक दे, पूरा दे देती हूँ ना, लुक दे दे। हाँ, पर इसके साथ तुझे रेड चलेगी या गोल्डन? गोल्डन लूंगी मैं, रेड नहीं लूंगी। रेड रेड साथ साथ हो जाएगी, रेड 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 नहीं अच्छी लगेगी। गोल्डन लूंगी, गोल्डन सबके साथ चल पड़ती है ना, सबके साथ चल। हाँ, गोल्डन ले लूंगी, गोल्डन ले। और सुना मेरा क्या दिमाग काम कर रहा है? क्या हुआ? मेरी बात सुन, मैं इसका क्या बनाऊँ ये बता पहले। और एक सूट तो देख, बीच में वहां डालने को तो चाहिए दिन के में। जैसे बंदा डाल के खड़ा रहे, हर वक्त नाइट सूट में तो नहीं खड़े रह सकते ना। तो ये एक ही सूट पहनो, वही दिन भर चलेगा, ये होगा। जब मैं इसको फैंसी बनवा दू, ये सुंदर लगेगा। हाँ, ये फैंसी बनवाओ थोड़ा, है ना। हाँ, कि और ना सबसे बड़ी बात है, मुझसे ना वो पैंट वाले अच्छे से लगते हैं, मुझसे डाल नहीं जाते। प्लाजो बनवा लो आप। प्लाजो फिर अकड़ा पड़ा नहीं, देख कितना अकड़ा पड़ा है। अब पापा से पूछना क्या करना है। पापा तो, मैं तो पापा को बोल रखा है, मैं कहा मुझे तो बिल्कुल वो नहीं, पैंट ही नहीं पहनी जाती। और वेलवेट का भी तुमने देखा है, मासी ने पैंट बनवाई थी, मेरे से नहीं डाली थी। हाँ, वो बेल बॉटम बनवा लो फिर, है बेल बॉटम। हाँ, प्लाजो तो बहुत खुला खुला हो जाएगा। हाँ, है ना। थोड़ा दूसरे तो इसका क्या बनवाओगे आप? पूजा, ये तो बेटा तू लेना, मैं क्या करूंगी। अरे आपको दे तो दिया, पता है मैं उस समय देखा था तेरे को इतना पसंद था, तो बिल्कुल रेट में भी वो नहीं सुन रही थी, तेरे को सूट का बहुत पसंद। आपको भी तो पसंद आ रहा था फिर? आ रहा था, लेकिन बट उस समय तेरे को सुंदर लग रहा था। सुंदर लग रहा है ना। हाँ, पर बट पैसे हो गया था तेरे को एकदम से? पता नहीं कोई चीज पसंद आ जाती आपको, पता है मैं ले लेती हूँ। देखा है, मैं जल्दी कपड़ा सिलेक्ट नहीं कर पाती, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है, शुरू से बहुत प्रॉब्लम है, मैं कपड़ा नहीं सिलेक्ट कर पाती। और तू है ना, जो मैंने तेरे को हमेशा देखा है, किसी शादी में जाना होगा तेरे को एक बार कपड़ा कुछ समझ आ गया, तू दूसरा कपड़ा उठा के नहीं देखती। ऐसे ही तेरे साथ वो इयररिंग्स में हुआ था। कौन सी शादी पे? हाँ, वो रेड वाले ना, मैंने दोबारा फिर देखा ही नहीं।
तो को जितना भाई ने दिखाया प्रिंस वाले ने, तेरे को कुछ समझ नहीं आया, आखिर तेरे को वही समझ आएगी। मम्मी प्रिंस भैया के पास चलेंगे भी, मेरे को झुमकिया लेनी है, झुमकिया नहीं है सूट वूट के साथ। हाँ कुछ भी नहीं है हमारे पास, मुझे गोल्डन झुमकी लाए तो थे अमृतसर से, वो नहीं डालेंगे? नहीं वो नहीं पहनूंगी, मेरे को अच्छी सी चाहिए कोई हैवी थोड़ी। हैवी? हाँ अच्छा चलेंगे लेने। हाँ अब वो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे जिसके वही वाले लोग। नहीं वो नहीं पहनने, मेरे को झुमकी चाहिए, झुमकी वो साड़ी में जिसके लंबे। हाँ मेरे को झुमकी चाहिए, भारी बहुत है। हाँ झुमकी झुमकी मेरे को सलाद नहीं, ये वाला तो मैं तेरे को कह रही हूँ उसके लिए रख ले तू, जो उस पे मेहंदी पे मैं ये सोच रही हूँ ये डाल ले तू। आपने नहीं पहनना फिर पूजा, अगर तू पहन लेगी मैं तो कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी, मेरा तो चल जाएगा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा तो मैं अपना वेलवेट का नीला उठा लूंगी। चलो देखते हैं वक्त बताएगा क्या करना है। और बाकी ना इसका फैब्रिक का हिसाब सोचते हैं, पीच कलर का। हाँ इसको तो पीच ही लेना है, जो भी नीचे बॉटम होगा। मैं तेरे को बताऊँ तू वो वाला स्टाइल क्यों नहीं बनवाती? कौन सा? वो जो माधुरी दीक्षित वाला, वो दिल तो पागल है मैं वो पहनती थी। देखते हैं वो बहुत सुंदर लगता है वो, चाहे मैं ये नहीं कह रही इस समय फैशन है नहीं है, लेकिन तू करके देख ले ये वाला, जैसे स्टाइल में तो सुंदर लगते हैं। नहीं तो तू मैं तेरे को अच्छा एक सलाह और देती हूँ, शरारे वाले बनवा ले। पापा कह रहे ज्यादा कपड़ा आ गया, कपड़ा तुमने 2.5 मीटर ले लिया ना, मुझे नहीं पता था, मैं तो चाह रही हूँ शरारे वाला बन जाए। हाँ, बाद में दिमाग लगा है? फिर वेस्ट जाएगा 1 मीटर कपड़ा। आधा मीटर, आधा मीटर, आधा मीटर, आधा मीटर का कुछ होता ही नहीं है ना, आधा मीटर ना किसी काम नहीं आएगा, कोई नहीं है तो फिर या तो लॉन्ग बनवा ले फिर तू। नहीं मेरे को शरारा बनवाना, पिछली बार भी वो पापा ने छोटा बना दिया था, पर अच्छा बनाना पापा को कहना सुंदर सा बनवाइए। और पूछा ये बता थोड़ा मौसम खुलेगा उस समय? खुल जाएगा है, खुल जाएगा ना, चल ठीक है। आज मैंने ना सारे सर्दियों के कपड़े धोए थे विंटर्स वाले, तो ये सारे के सारे मैंने लपेट दिए। तो टॉवल लाई थी, मैंने आपको दिखाया ही था कुछ दिन पहले, मैं टॉवल लाई थी, तो आज मैंने इसे वॉश कर दिया एंड इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा है ना, तो इसे भी अब यूज़ करती हूँ कल से। और ये वाले जो मेरे कपड़े हैं ये तो हैंगर में ही जाते हैं, बाकी सबके अब एक एक करके मैं अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। डिनर के लिए आज मम्मी ने बनाई है ये सोयाबीन और मटर। सोयाबीन बहुत ही दिनों बाद बने हैं, मुझे इतने पसंद है, पता नहीं मम्मी क्यों नहीं बनाती रोज रोज। और ये फ्राई आलू बने थे गोपू के लिए, तो गोपू के लिए बने तो इस बहाने हमें भी मिल गए। तो अभी एक रोटी एक और आ रही है, तब तक मैं ये वाली रोटी खाती हूँ। पूजा है ना उसमें कमेंट पढ़ रही थी, तो लोगों ने जो फनी वीडियो बनाई है उसमें तो बहुत अच्छे कमेंट्स आए। हाँ मैं भी पढ़े अभी ना, कमेंट्स अच्छे आ रखे हैं, और सही करी थी उसने। हाँ सही करी हुई थी एकदम। अब एक का आया था कि ना थोड़ी फनी कम थी, हमने ना अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा एकदम से चीजें। मैंने पूछा था कि मुझे जो भी कमी लगे तो मैं उसको थोड़ी दूर कर सकूं, कि उसमें हम क्या नया ला सके, क्या कुछ कर सके, कि कई चीजें हमें भी समझ नहीं आ रही उसमें। मुझे भी लगा जब मैंने देखी ना कि जैसे बीच में थोड़ी वो रुक गई थी उस चीज़। हाँ आगे ट्राई करेंगे अच्छे से वो चीज करे। हाँ बट टाइम लगता ही है। हाँ कि थोड़ा बहुत समझने में ना कोई चीज भी, क्योंकि हम आपके साथ डेली जो डेली ब्लॉगिंग में आते हैं ये फर्स्ट टाइम ही हमने किया था, तो मुझे उसमें थोड़ा सा मुझे भी लगा जब मैंने अपनी खुद की वीडियो देखी ना, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी उसमें कमी है, कि हम उसको और फनी बना सकते थे। पर पूजा का पूजा तेरा सीन भी थोड़ा था, आगे देखते हैं वो पता नहीं चलता ना उस टाइम पे। हाँ हाँ आगे पूरी स्क्रिप्ट लिख कर करेंगे। पर एक बात है, तो छोटे में भी समझ नहीं आई मुँह कैसे मोटा हो गया, तो वो फिल्टर ही ऐसा है, आवाज नहीं चेंज हो गई थी। वो कहाँ से आता? स्नैपचैट में, स्नैपचैट पे, स्नैपचैट पे आता है। अच्छा स्नैपचैट पे बेबी फिल्टर ना। हाँ 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 इससे छोटा भी आता है, कितने ही आता है? यही है मोस्टली यही चलता है बेबी फिल्टर। ये कितने साल के? 7-8 साल का बच्चा लगता है, क्या है 8-9 साल का बच्चा है ना। हाँ पर बाकी तुम लग इसमें प्यारी हुई थी, छोटी सी लग रही। और जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज आप देख लीजिए, इससे पहले आपको मिल ही जाएगा। और हम शॉर्ट्स भी अपने डाल रहे हैं, शॉर्ट्स पे भी हमारे जाके चेक करो, वीडियो हमारी आप चेक कीजिए। और मम्मी बहुत से लोग पूछ रहे थे मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कह रही हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस एक ही होता है क्या? मेडिकल क्या है बता दो। एक ही होता है हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल एक ही होता है। और एक ने ये भी लिखा हुआ था कि अब आंटी का नहीं हो सकता, हमने बात बात करी तभी, हम अभी एक साल रुके हुए हैं क्योंकि बोला गया था कि एक साल के बाद ही होता है, हमने चीजें कर रखी है, तो जैसे ही वो सब हो जाएगी आपको हम आगे आगे बताएंगे, आपको हर चीज बताएंगे। बट कैसे ये हो सकता है कि आप भी वैसे करके कर सकते हो, कि साल लगता है इसके अंदर। हाँ, ये होता है कि साल एक लगता है, लगता क्योंकि मेरी कंडीशन के हिसाब से तो उन्होंने बोला कि साल एक बाद ये चालू होगा, स्टार्ट होगा। तो हम आपको आगे जैसे होगा सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हमने आगे बहुत सी भी प्लान, मेरे को ये भी आया था मुझे आयुष्मान भारत क्या है ये मेरे को पता नहीं, मुझे नहीं पता। एक कार्ड होता है ये मुझे पता था, ये आयुष्मान भारत का मैंने भी एक बार अप्लाई किया था, लेकिन उसमें ना वो क्या होता है
जो उन्होंने बोला इंश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं होता, इंश्योरेंस लिखा इसके अंदर, इसके अंदर एक कार्ड मिलता है जिसमें आपकी पूरी हेल्थ का पता चलता है। ये मुझे याद आ रहा है, अब एक बार हमने भरा था ये वाला भी, तो उसमें एक वो आता है कि एक कार्ड मिलता है, कार्ड से पता चलता है, जैसे आप कार्ड लगाओगे कि आपकी कंडीशन क्या है, वो सारा बता देगा उस कार्ड में, पूरी बीमारी का उसका बता देता है। इंश्योरेंस वगैरह तो करवाना ही पड़ता है। अगर वो 5-5 लाख के ऐसे नॉर्मल देने लग गए तो फिर वो वाले तो कोई करवाएगा ही नहीं। हाँ, तो मेरे को भी ये पता था, मैंने भी यही सोचकर एक बार करवाया, ये कराया काम, हमने सोचा एक एक करके स्टेप करते हैं, पर नहीं हुआ था। बाकी आगे हम ना शिनचैन का भी सोच रहे हैं। शिनचैन किस किस को पसंद है बताना, आगे शिनचैन जरूर बताना। शिनचैन भी जो बच्चा थोड़ी गर्मी आने दो, उसके बाद ही करेंगे शिनचैन। अभी हम वहां से भी होया तो मैंने पूजा को बोला है, पूजा कहती मम्मी अगर शिनचैन का करूंगी ना तो उसकी लुक भी क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे, ऐसे नहीं अच्छा लगेगा कि हम पूरे लुक बनाकर आएंगे कि शिनचैन के रूप में आ जाऊं, तो वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं कहा ठीक है, आने के बाद हम ये सब सोचते हैं। तो बस अब आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे, एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कल की फनी वीडियो जरूर देखिए जिन जिन ने नहीं देखी। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।